और महाराष्ट्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात देने वाले हैं। मुंबई के ऐतिहासिक सीएसएमटी स्टेशन से इन दोनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के लिए पीएम मोदी दोपहर में आज मुंबई पहुंचेंगे, जहां इन दोनों ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। ऐसा पहली बार होगा जब पीएम मोदी दो वंदे भारत ट्रेनों को एक साथ रवाना करेंगे। देखिए, जैसे आप अंदर आएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये बाकी ट्रेन से अलग है, क्योंकि आपको देखने में ही इसका फर्क पता चल जाएगा। पीएम मोदी दोपहर 3 बजे मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से करीब 3:30 बजे सीएसएमटी स्टेशन पहुंचेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा और शाम करीब 4 बजे पीएम पहले मुंबई सोलापुर वंदे भारत और उसके बाद मुंबई साईनगर शिरडी वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। मुंबई से चलकर वंदे भारत सोलापुर करीब 6.5 घंटे में पहुंचेगी, जबकि अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों को करीब 8 घंटे का वक्त लगता है। जबकि दूसरे वंदे भारत मुंबई से साई शिरडी नगर करीब 5.5 घंटे में पहुंचेगी, जबकि अन्य ट्रेनों को 6 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। मुंबई सोलापुर रूट पर वंदे भारत के जरिए जहां पुणे के दगडू शेठ मंदिर, पंढरपुर के विट्ठल मंदिर, अक्कलकोट मंदिर और तुलजापुर भवानी मंदिर जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जुड़ेंगे, वहीं मुंबई साईनगर शिरडी वंदे भारत नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर, रामकुंड और शिरडी साई बाबा जैसे धार्मिक स्थलों को मुंबई से जोड़ेगी। इन दो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाए जाने के बाद महाराष्ट्र में इनकी संख्या 4 हो जाएगी, जो किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा है। और महाराष्ट्र में पहले से मुंबई सेंट्रल, गांधीनगर और नागपुर विलासपुर के बीच वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। हालांकि जिन नए दो रूटों पर वंदे भारत ट्रेनें चलने वाली हैं, उस पर बाकी ट्रेनों में एक्स्ट्रा इंजन की जरूरत होती है, जबकि कसारा और भोरघाट सेक्शन को पार करने के लिए वंदे भारत को एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। घाट सेक्शन के ट्रायल को दोनों ट्रेनों ने अपनी रफ्तार के साथ पास किया है। वंदे भारत जो ट्रेन है, जो कि पूरी तरह भारत में निर्मित है, इस ट्रेन के साथ किसी भी एक्स्ट्रा इंजन की जरूरत नहीं है। वंदे भारत में 2 एग्जीक्यूटिव कोच और 14 चेयर कार कोच हैं, जिनमें करीब 1,148 सीटें हैं। इसमें टोटल 16 बोगी हैं, 2 एग्जीक्यूटिव कोच हैं, बाकी चेयर कार हैं। नई वंदे भारत ट्रेन में कवच सिस्टम काम करेगा, यानी कि एक ही ट्रैक पर अगर दो ट्रेनें हैं तो कवच सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और दोनों ट्रेनें ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम से रुक जाएंगे। खबर है कि आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लोगों का साथ चीन भी छोड़ने वाला है। पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि चीन की ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा से जुड़ी एक कंपनी सैकड़ों लोगों को नौकरी से निकालने की तैयारी में जुट गई है, और अगर ऐसा हुआ तो बदहाली की मार झेल रहे पाकिस्तान के कई लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक चीन की ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा से जुड़ी उस कंपनी को फंड नहीं मिल पा रहा। यही नहीं, खबर है कि पाकिस्तान की खराब अर्थव्यवस्था की वजह से वहां कंपनी को लगातार घाटा हो रहा है। बताया जा रहा है कि इसीलिए अब उसने अपने कारोबार को कम करने का फैसला लिया। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून का दावा है कि इससे वहां करीब 3,000 लोगों की नौकरी जाएगी, क्योंकि कंपनी ने 11% कर्मचारियों को हटाने का ऐलान किया।